नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पेरिस हमलों के बाद फ्रांस में 150 जगहों पर छापेमारी। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुएल वाल्स ने सोमवार को कहा कि पुलिस ने पेरिस में हमलों के बाद से संदिग्ध इस्लामिस्ट आतंकियों की तलाश के लिए 150 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। दक्षिण पूर्वी शहर लियोन के एक सूत्र ने बताया कि हथियारों के एक भंडार को जब्त किया गया। एक स्थानीय पुलिस सूत्र ने बताया कि फ्रांस के दक्षिण पूर्वी शहर लियोन में 13 छापे मारे गए। इस दौरान 5 गिरफ्तारियां हुई और एक रॉकेट लॉन्चर, एक राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथगोले जब्त किए गए। इमरान खान पर तलाकशुदा पत्नी रेहम ने लगाए गंभीर आरोप। इमरान खान की दूसरी शादी के सिर्फ 10 महीने बाद तलाक के 2 हफ्ते बाद उनकी दूसरी पत्नी रही रेहम खान ने दावा किया कि उन्हें कहा गया था कि वह रसोई घर में रोटी बनाएंगी और बाहर नजर नहीं आएंगी। रेहम ने कहा कि जब से वह और उनकी छोटी बेटी बानी गला में इमरान के मैंसन में पहुंची थी, जब से ही उन्हें लग रहा था कि उन्हें दबाया जा रहा है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान और 42 साल की टीवी पत्रकार रेहम ने 30 अक्टूबर को अलग होने का फैसला किया था। इस बीच इस तरह की खबरें थी कि इमरान को राजनीति में रेहान की दखलंदाजी पसंद नहीं है। इमरान ने इससे पहले इंग्लैंड की जेमिमा गोल्ड स्मिथ के साथ निकाह किया था, जो 9 साल के रिश्ते के बाद जून 2004 में टूट गया था। रामदेव ने लॉन्च किए पतंजलि आटा नूडल्स। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा प्रवर्तित रोजमर्रा के उपयोग के सामान बनाने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को बाजार में नूडल पेश किया, जो नेस्ले की मैगी से प्रतिस्पर्धा करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में मैगी ने 5 महीने बाद बाजार में वापसी की है। कंपनी ने पतंजलि आटा नूडल्स के लिए 6 विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जो उसके मौजूदा हरिद्वार स्थित संयंत्र के अतिरिक्त होंगे, ताकि अन्य राज्यों की मांग पूरी की जा सके। रामदेव ने कहा कि दिसंबर के अंत तक हमारा नूडल 10 लाख दुकानों में होगा। पतंजलि ने अपने 70 ग्राम नूडल के पैकेट की कीमत 15 रुपए रखी है और दावा किया है कि यह प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सस्ता होगा। रामदेव ने कहा कि इससे प्राप्त आय गरीब और आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी। वरिष्ठ अभिनेता सईद जाफरी का निधन। शतरंज के खिलाड़ी में यादगार भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता सईद जाफरी का 86 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया। जाफरी की भांजी शाहीन अग्रवाल ने इस खबर को फेसबुक पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि आज जाफरियों की एक पीढ़ी का अंत हो गया। सईद जाफरी भी अब इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने भाइयों और बहनों के पास जा चुके हैं। जाफरी ने ब्रिटेन और बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। गांधी फिल्म में उन्होंने सरदार पटेल की यादगार भूमिका निभाई थी। इसके अलावा घर हो तो ऐसा, राजा की आएगी बारात जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।